चलो भाई क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में शायद तुम लोगों को आर एस रोमन क्रिएचर लिखना बताया था, जस्ट जहां तक हमको ध्यान है। वो एक ही टाइप के एग्जांपल्स अलग अलग फॉर्मेट में बस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक सेकेंड, पता नहीं कहाँ पे है। चलो ठीक है, नहीं मिल रहा स्लाइड तो हाँ शुरू करते हैं। जहां तक हमको ध्यान है कि लास्ट क्लास में तुम लोगों को वो सारी चीजें बता दी थी मैंने कि आरएस नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, और उसी का के कुछ एग्जांपल्स और भी कराने थे जो आज हम लोग कर लेंगे। थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जिसमें एक के जगह पे दो कारण सेंटेंस है, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। बाकी फिर वर्कशीट से तुम लोगों को बाकी वर्कशीट से फिर होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। ना वापस से ध्यान रखना भाई उस चीज का। 1 मिनट ओके चलो भाई ध्यान देते हैं। लास्ट क्लास में जैसे फिशर प्रोजेक्शन के कुछ सवाल तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे और बाकी चीजें भी डिस्कस की थी। दो चार सवाल और होंगे। कितने क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा दिए थे? क्वेश्चन नंबर बता दो कोई ताकि हम आगे बढ़े। 9 9 9 ओके चलो ठीक है, 10 नंबर से शुरू करते हैं। सेम सवाल है, कायरल सेंटर्स का कॉन्फ़िगरेशन निकालते जाना है, ठीक है? ट्राई करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में नोट करते जाओ क्वेश्चंस और उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करते जाना। ट्राई करके देखो भाई सवाल।
ठीक है, कोई दिक्कत क्या है। सर ये दो कैरल सेंटर वाला कैसे करना? जैसे एक कैरल सेंटर वाला करते हैं, दो कैरल सेंटर वाला करो, ऊपर का अलग निकालो नीचे का अलग निकालो। अगर दो कैरल सेंटर है तो दोनों का अलग अलग नाम होगा, मतलब जितने कैरल सेंटर्स होते हैं हम लोग उनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, मॉलिक्यूल का कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा केवल। चलो भाई कुछ डिस्कशन शुरू करते हैं ऊपर के दो आंसर्स का, उसमें कोई अगर डाउट होगा तो पहले पूछ लेना, उसके बाद फिर बाकी की बात करेंगे। पहले वाले केस में CH3 HCl OH, ओके तो हम लोग एक स्विच दो स्विच, तो उसके हिसाब से 1 2 3 पहले वाले केस में आर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 10th नंबर वाले पार्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 नंबर वाले पार्ट में 1 2 3 एस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। 10 और 11 में कोई डाउट है तो पूछ लो।
दोनों में डाउट है सर, तीन नंबर। ओके पहले 10 नंबर देख लेते हैं। पहले तो भाई एक ही कायरल सेंटर है, तो एक कायरल सेंटर पे CH3 अटैच्ड है, OH अटैच्ड है, COH अटैच्ड है और H अटैच्ड है। तो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी तो हाइड्रोजन का होगा, सबसे लोएस्ट एटॉमिक नंबर। उसके बाद फर्स्ट एटम कार्बन है CH3 में, जबकि ऑक्सीजन वाले पार्ट को हम लोग OH में कंसिडर करेंगे और COH में कार्बन है। तो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर फर्स्ट बॉन्डेड एटम का OH में है, तो यह सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, ये वो सबसे पहले कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद पहला बॉन्डेड एटम CH3 में कार्बन है और दूसरे COH में भी कार्बन है, लेकिन दूसरा बॉन्डेड एटम हाइड्रोजन है, जबकि नीचे वाले केस में ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली COH वाले पार्ट का प्रायोरिटी ज्यादा निकल के आएगा सेकेंड नंबर, और CH3 वाला पार्ट थर्ड नंबर निकल के आएगा। ये प्रायोरिटी वाले पार्ट में मेरे हिसाब से डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, इस चीज को हम डिस्कस नहीं कर रहे। अब उसके बाद लास्ट क्लास में बोला था कि जब भी हम लोग कभी कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो पहले लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को डैश्ड पे लेके जाना होता है। तो अगर ग्रुप डैश्ड पे नहीं है तो पहले स्विचिंग करो और डैश्ड पे लेके जाओ, और हमेशा दो स्विचिंग करना होता है। तो जैसे फोर्थ नंबर वाली प्रायोरिटी को हाइड्रोजन को उठा के हम लोग को डैश्ड पे ले जाना है, तो अगर दो स्विच करना होगा तो ऐसा काम कर सकते हैं। इसको हम नीचे अलग से मेंशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट को। ऊपर CH3 दे रखा, इधर H दे रखा, सॉलिड वाले पार्ट पे COH दे रखा और डैश वाले पार्ट पे OH दे रखा, ठीक है। तो पहले काम करते हैं, जो पहला स्विच है वो COH और H में कर लेते हैं पहला स्विच। तो इससे COH वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे और H वाला पार्ट नीचे चला जाएगा। बट अभी भी हाइड्रोजन डैश पे नहीं है और दो स्विच तो ऐसे भी करना था, तो जो दूसरा स्विच है वो H और OH में कर लेता है। तो जब दूसरा स्विच करेंगे तो जहाँ पे OH वहाँ H जाएगा, और जहाँ पे H था वहाँ पे OH वाला पार्ट आ जाएगा। तो दो स्विच करने से कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम, तब हम लोग आराम से हाईएस्ट प्रायोरिटी, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के डैश होते हुए एरो बनाएंगे। तो उस केस में क्लॉकवाइज एरो मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन आराम से कंसिडर किया जा सकता है, 1 से 2 होते हुए 3 जाएंगे। तो 10 नंबर में कोई डाउट है तो वापस से पूछ सकते हैं, अगर 10 नंबर में कोई डाउट हो गया तो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी फोर्थ है, हाईएस्ट प्रायोरिटी फ्लोरीन है, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी OH होना चाहिए और थर्ड प्रायोरिटी वाला पार्ट COH होना चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, प्रायोरिटी वाले पार्ट में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलो बढ़िया, तो जब हम लोग 1 से 2 होते हैं 3 की तरफ जाएंगे तो उस केस में कॉन्फ़िगरेशन R निकल के आना चाहिए। तो निकल के तो R आना चाहिए था, लेकिन लास्ट क्लास में एक पॉइंट स्टार मार्क आया था, अगर फिशर प्रोजेक्शन में LPG हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो जो अपना आंसर आएगा उसको उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब अगर R निकल के आया है तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन S होगा, अगर S आएगा तो उसको इन्वर्ट करके R एक्चुअल आंसर कंसिडर किया जा सकता है। तो प्रायोरिटी 1 से 2 होते हुए जब 3 की तरफ गए तो क्लॉकवाइज एरो आया, आर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन अगर एलपीजी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो उसका मतलब नहीं है, बट अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको उल्टा करके ही हम लोग एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाएंगे। तो आर आया था मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 वाले पार्ट का अगर आंसर निकाले तो उस केस में 1, 2, 3 कॉन्फ़िगरेशन आर हो जाएगा। पॉइंट एग्जैक्टली सेम है कि हम लोगों के पास हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला पार्ट फ्लोरीन दे रखा, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी OH दे रखा, COH वाला पार्ट थर्ड प्रायोरिटी और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो 1 से 2 होते हुए 3 जाते तो इस केस में S होना चाहिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन उल्टा करके उसको R के बराबर आराम से कंसिडर कर लेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगा। उसके बाद आगे के दोनों क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहले 13 डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 वाले पार्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब ऊपर वाले पार्ट में कॉन्फ़िगरेशन S होना चाहिए, नीचे वाले केस में 1, 2, 3 नीचे वाले केस में भी S होना चाहिए, जिसको डाउट हो पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 13 में। ऊपर वाले में S कैसे होगा?
ऊपर वाले मैच कैसे होगा। चलो ठीक, तो अलग से मेंशन कर रहे डायग्राम को, डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा कि ऊपर एच है, फिर उसके बाद ओ एच, फिर सी एस थ्री, उसके बाद नीचे जाने पे फ्लोरीन, ओ एच और एच। चलो अभी ध्यान दो, थोड़ा इसको जूम कर रहे हैं। जैसे एक चीज देखो यहाँ पे कि अगर ऊपर वाले कायरल सेंटर की बात करते हैं तो ऊपर वाले कायरल सेंटर पे एक एच ग्रुप प्रेजेंट है, एक ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, एक सी एस थ्री ग्रुप प्रेजेंट है, और चौथा ग्रुप ये नीचे वाला पूरा का पूरा पार्ट प्रेजेंट है। मतलब फोर्थ ग्रुप में ये पूरा कंप्लीट पार्ट कंसिडर करते हुए चल रहे हम लोग। तो ऊपर वाले कायरल सेंटर को जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो ऊपर वाले कायरल सेंटर वाले पार्ट पे हम लोग ये जो चार ग्रुप्स है इनकी प्रायोरिटी देखनी है। तो हाइड्रोजन पहला एटम, सबसे लोएस्ट एटॉमिक नंबर, मतलब फोर्थ प्रायोरिटी। जब सी एस थ्री जाएंगे तो पहला एटम कार्बन होगा, जब ओ एच में जाएंगे तो पहला एटम ऑक्सीजन होगा, जब नीचे जाएंगे तो पहला एटम यहाँ पे कार्बन ही है। तो ऑक्सीजन में, कार्बन में और कार्बन में, मतलब सी एस थ्री का कार्बन और नीचे वाले ग्रुप का कार्बन, ये दोनों पहला बॉन्डेड एटम कार्बन हो गया और उससे ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है, इसका मतलब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन का निकल के आएगा। फिर उसके बाद सेकेंड बॉन्डेड एटम से यहाँ से हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, जबकि नीचे वाले ग्रुप में सेकेंड बॉन्डेड एटम में फ्लोरीन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। मतलब हम लोग सेकेंड बॉन्डेड एटम में फ्लोरीन को कंसिडर कर सकते हैं। तो ज्यादा हायर प्रायोरिटी ये नीचे वाले ग्रुप का हो जाएगा, तो ये नीचे वाला ग्रुप ओवरऑल सेकंड प्रायोरिटी में आएगा, और ये जो सी एस थ्री ग्रुप वाला पार्ट है इसको हम लोग थर्ड प्रायोरिटी में डाल सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ओ एच से सेकंड प्रायोरिटी नीचे वाला ग्रुप होते हुए जब सी एस थ्री में जाएंगे, इसका मतलब हम लोग का जो एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर किया जा सकता है। और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे है तो जो अपना आंसर निकल के आया एग्जैक्टली वही आंसर कंसिडर करना है। तो ऊपर वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का एस आराम से निकल के आ जाएगा, ऐसा बोला जा सकता है। फिर जब नीचे वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं तो डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है, एच ओ एच सी एस थ्री एफ ओ एच एच। तो नीचे वाले कायरल सेंटर को अगर कंसिडर करें हम लोग तो इसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है और सबसे लोएस्ट एटॉमिक नंबर इसी का होगा, मतलब ये फोर्थ प्रायोरिटी होगा। फिर उसके बाद OH वाले पार्ट से ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, फ्लोरीन वाले पार्ट से F प्रेजेंट है सीधा, और ऊपर का ये पूरा का पूरा ग्रुप अटैच्ड है जिसमें फर्स्ट बॉन्डेड एटम कार्बन रहेगा। तो इस केस में ऑक्सीजन अपना फर्स्ट बॉन्डेड एटम हो गया, फ्लोरीन अपना फर्स्ट बॉन्डेड एटम हो गया, और ऊपर के ग्रुप में कार्बन, तो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का, इसका सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी। फिर उसके बाद OH वाले पार्ट का, और उसके बाद जो ऊपर का ये पूरा ग्रुप है ये ग्रुप वाले पार्ट का प्रायोरिटी थ्री लेके चल सकते हैं। तो वन से टू होते हुए जब थ्री की तरफ जाएंगे, इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट में भी अपना एरो वन से टू होते हुए थ्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन एस आराम से मेंशन किया जा सकता है। अगर कोई डाउट है तो इन दोनों क्वेश्चन में फिर सॉरी इस क्वेश्चन में फिर से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 वाले पार्ट में, अगर कोई भी डाउट है तो। सॉरी 13 नंबर वाले पार्ट में कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो एक बार फिर से नीचे वाले क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया था क्वेश्चन नंबर 14 15 ट्राई करके देखो फटाफट। सूरज बड़ा खतरनाक डीपी लगा रखा है भाई, तो फोटो एकदम मस्त हीरो टाइप। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लिख रहे हैं, अगर उसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 14 वाले पार्ट में 1 2 3 मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, और उसके बाद नीचे वाले पार्ट में 1 2 3 आर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कोई डाउट है तो पूछ लो। सर दूसरा वाला, दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 14 में
नीचे वाले कार्बन को अगर कंसिडर करेंगे, डायग्राम अलग से मेंशन कर रहा हूँ, ऊपर वाले पार्ट में ब्रोमीन OH एंड H है, ब्रोमीन OH H, नीचे वाले कार्बन पे CH3 COH और H। चलो ध्यान दो, जैसे जब हम लोग नीचे वाले वाले कायल सेंटर को कंसिडर करेंगे तो इससे COH ग्रुप अटैच्ड है, CH3 अटैच्ड है, H अटैच्ड है और ये पूरा का पूरा ऊपर वाला ग्रुप अटैच्ड है। तो सबसे लोएस्ट एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन का, उसको छोड़ दो। CH3 में फर्स्ट बॉन्डेड एटम कार्बन, COH में भी कार्बन और ऊपर भी कार्बन ही है, तो फर्स्ट बॉन्डेड एटम से कंपैरिजन नहीं कर सकते। फिर इसके बाद सेकंड बॉन्डेड एटम बनाएंगे तो CH3 वाले पार्ट में हाइड्रोजन है, COH वाले पार्ट का सूडो स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे, जैसे COH है, CH3 है और ऊपर वाले कार्बन के ऊपर ब्रोमीन है, OH और H है, तो COH का सूडो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनना चाहिए और CH3 का तो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है। तो पहले वाले केस में कार्बन के साथ ब्रोमीन है, OH और H है, तो सेकंड बॉन्डेड एटम में ब्रोमीन को कंसिडर करेंगे, जबकि कार्बोक्सिलिक वाले पार्ट में तीनों ऑक्सीजन है तो कोई भी एक ऑक्सीजन को कंसिडर कर लेते हैं और नीचे में केवल हाइड्रोजन है। तो सेकेंड बॉन्डेड एटम में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट है, इसका मतलब जो ये ऊपर वाला ग्रुप है, ये ऊपर वाले ग्रुप का प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद COH का नंबर आ जाएगा और फिर CH3 का थर्ड नंबर आएगा। तो 1 से 2 होते हुए 3, मतलब हम लोग क्लॉकवाइज एरो की बात कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज एरो इसका मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो अपना लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। समझ आया? यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? चलो भाई लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और भी एक क्वेश्चन कराएंगे, बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन होगा। पहले क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मार्क करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 वाले पार्ट में ब्रोमीन पहला प्रायोरिटी, फिर उसके बाद राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, 1 2 3, मतलब पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन आर होना चाहिए, पहले वाले पार्ट में आर कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरे वाले केस में फर्स्ट तो है लेकिन स्विचिंग करना पड़ेगा। ओके, तो प्रायोरिटी में स्विचिंग करते हैं तो ये गया, ठीक है, हाँ आया। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरे वाले केस में एस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, एस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो क्वेश्चन नंबर 15 में। दूसरा वाला में सर। ओके, देखते हैं। एक तो एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, जैसे तुम लोग कहीं कहीं अगर ऑनलाइन लेक्चर वगैरह देखा होगा, अगर ये चीज का टॉपिक देखा होगा, तो लोग नॉर्मली करते क्या है कि इसको फिशर पोजीशन में कन्वर्ट करके उसका आंसर निकालते हैं, वो भी गलत तरीका है, उसको बिल्कुल भूल के ही फॉलो मत करना। जो लास्ट क्लास में स्विचिंग वाला पार्ट बताया था, हमेशा उसके तरीके से काम करना, जिंदगी बहुत आसान रहेगी। तो जैसे सेकंड वाले केस, पहले वाले केस वाले पार्ट पे ब्रोमीन दे रखा था और एच दे रखा था, और दूसरे वाले केस में हम लोग के पास नीचे एच दे रखा था और ऊपर डैश वाले पार्ट पे OH दे रखा था। तो पहले ग्रुप्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जो पहला कायरल सेंटर है, इस पे एक तो CH3 ग्रुप दे रखा, इस पे H ग्रुप दे रखा, इस पे BR ग्रुप दे रखा और इस पे राइट साइड का ये पूरा का पूरा कार्बन चेन वाला ग्रुप दे रखा है। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे तो हाइड्रोजन का लोएस्ट प्रायोरिटी निकल के आएगा, सबसे लोएस्ट एटॉमिक नंबर, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट है, और लेफ्ट साइड में जो CH3 है उसमें फर्स्ट एटम कार्बन, राइट साइड में जो ग्रुप है उसमें भी फर्स्ट एटम कार्बन। लेकिन उसके बाद लेफ्ट साइड में जो CH3 है उसमें तो सब हाइड्रोजन है, जबकि राइट साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो पूरा ग्रुप ऐसे मार्क किया था कार्बन चेन वाला राइट साइड में, ये अपना सेकंड प्रायोरिटी होगा और CH3 थर्ड प्रायोरिटी। तो 1 से 2, 2 से 3 की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो एरो वाला जो पार्ट है आराम से आर कॉन्फ़िगरेशन दे सकता है, आर ही कॉन्फ़िगरेशन लिखा था ना? हाँ ठीक है। ओके, तो जब दूसरे वाले केस को कंसिडर करेंगे तो दूसरे वाले केस में हाइड्रोजन नीचे है, OH वाला पार्ट ऊपर दे रखा है और बगल वाले कार्बन पे ब्रोमीन दे रखा है, जो कुछ भी दे रखा है। तो इसमें कायरल सेंटर जो है उसपे CH3 अटैच्ड है राइट साइड में, नीचे H अटैच्ड है, एक OH अटैच्ड है और ये पूरा का पूरा दूसरे साइड का ग्रुप दे रखा, तो हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगा। पहला बॉन्डेड एटम ऑक्सीजन दे रखा OH में, CH3 में कार्बन है
और ये जो लेफ्ट साइड में जो पूरा ग्रुप है इसमें भी पहला बॉन्डेड एटम कार्बन ही है, तो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर फर्स्ट बॉन्डेड एटम का OH में है, इसलिए OH अपना सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद CH3 में कार्बन है और लेफ्ट वाले ग्रुप में भी कार्बन है, तो उसके आगे जाएंगे तो CH3 में हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पे ब्रोमीन दे रखा, तो ये जो लेफ्ट वाला पूरा ग्रुप है इस पार्ट को सेकेंड प्रायोरिटी में और CH3 को थर्ड प्रायोरिटी में डाल सकते हैं। बट हम लोग कॉन्फिगरेशन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि हाइड्रोजन वाला पार्ट डैश लाइन पे नहीं है, तो पहले इसको स्विच करके डैश लाइन पे लेके आ जाते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, नीचे जो हाइड्रोजन है और ऊपर जो OH वाला पार्ट है उसमें दो स्विचिंग कर लेंगे, हमेशा दो स्विच का आदत डालो, ठीक है? करने को एक कर सकते थे, एक में अगर आंसर आ गया तो उसको उल्टा कर दो, लेकिन दो स्विच करने का आदत डालो ताकि आगे कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? तो जैसे अगर मान लेते हैं कि हम लोग स्विचिंग करना शुरू करते हैं तो लेफ्ट साइड में जो ग्रुप है उसके काम करते हैं, किसी दूसरे नाम से मेंशन कर देते ज्यादा बेटर होगा, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? इसको ऐसा कर देते हैं CH3 है और यहाँ वाले पार्ट में बस एक एक्स करके ग्रुप डाल देते हैं, मालूम है कि इसका प्रायोरिटी सेकंड है। तो स्विचिंग जब करना शुरू करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि H और CH3 को स्विच कर देते हैं, पहला स्विच। तो जब H और CH3 को स्विच करेंगे तो CH3 नीचे आएगा, H वाला पार्ट नॉर्मल लाइन पे जाएगा। फिर उसके बाद OH और H को स्विच कर लेते हैं, अगर OH और H को स्विच करेंगे तो H ऊपर जाएगा और OH वाला पार्ट राइट साइड में जाएगा, तो उसके बेसिस पे एच अपना डैश लाइन पे चला गया, OH वाला पार्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी था, X वाला पार्ट सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी और CH3 थर्ड वाला पार्ट नीचे है, तो 1 से 2, 2 से 3, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज एरो आराम से एस कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करते हुए काम कर सकते हैं, जो कि ऊपर दे रखा होगा शायद से, हाँ एस कॉन्फ़िगरेशन मेंशन किया हुआ है। समझ आया पार्ट? यस सर। ओके चलो भाई एक सवाल और करके देखो, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, उसमें एक छोटा सा इंफॉर्मेशन होगा जो हम लोग कंसीडर करेंगे। एक सवाल नहीं, एक्चुअली में दो सवाल करना है। ट्राई करो। और ये छोटा सा एक ट्रिक बताएंगे यहाँ पे जिसको ध्यान रखना है, वो सब ट्रिक्स ध्यान रखना है, टॉपिक बहुत ही मजेदार होगा, फिर ट्रिक्स ध्यान नहीं रखेंगे जिंदगी खराब रहेगी। इधर ग्रुप में कौन कमेंट किए जा रहा है भाई, केमिस्ट्री वाले में इधर क्लास चल रहा है, इधर कमेंट भी करे जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, बढ़िया। चलो भाई ऊपर वाले केस को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पहला प्रायोरिटी, दूसरा प्रायोरिटी, तीसरा, 1, 2, 3 आर। अगर ऊपर में आर है तो नीचे में भी आर होगा, नीचे वाले केस में पहला प्रायोरिटी, दूसरा प्रायोरिटी, तीसरा प्रायोरिटी एस मतलब आर, तो नीचे वाले पार्ट में एस होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। 70 नंबर 70 नंबर 70 नंबर।
हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो गया। हाँ भाई, हैंगिंग गार्डन हो गया था उधर। अब स्क्रीन शेयरिंग देखना पड़ेगा, 1 मिनट थोड़ा देखो, ट्राई करके देखो। सेकंड। सवाल सवाल ट्राई करके देखो, हैंग हो रखा है ये। हाँ चलो ठीक है। जा पोस्ट ही चेंज हो गया। चलो कोई नहीं। हाँ भाई, ऋषभ आवाज आ रही है? हाँ सर, भाई, इसमें ऊपर वाले में डाउट है क्या तुमको? क्लोरीन वाले पार्ट में हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा, फिर ओएच वाले पार्ट में सेकंड हाईएस्ट, और नीचे वाला ग्रुप थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो 1 से 2 होते हुए 3 में जाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन एस होना चाहिए था, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो आर निकल के आ जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना है बार बार, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो जो अपना आंसर आएगा उसको इन्वर्ट कर दो, ताकि एक्चुअल आंसर निकल के आ जाए। ठीक है। हाँ सिक्सटीन भाई, क्वेश्चन नंबर 16, 17 में और भी डाउट है? 16 का पहला वाला। 16 का पहला वाला ही डाउट हो गया रे। अच्छा एक चीज बता सुमन पॉल, बोलिए सर। एक तो ये बताओ कि इसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सा होगा? सर ओएच वाला होना चाहिए, फ्लोरिन ओएच वाला होना चाहिए, फ्लोरीन फ्लोरिन 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 सर, वाला होना चाहिए, ओएच वाला होना चाहिए। फ्लोरिन ओके हो गया। और दूसरा? अच्छा, ओएच और तीसरा? तो नीचे वाला होगा। दिक्कत कहाँ पे तुम्हारे लाइफ में? हाँ ठीक है। एक ही दिन में सारा मछली खाया वो खत्म हो गया तेरा। चलो भाई ध्यान दो, जैसे मेरे पास आंसर केवल ऊपर वाले का निकला था तो नीचे का आंसर डायरेक्टली बोल दिए थे। तो अगर ऊपर वाले का आंसर आर होता, मतलब आर अगर है तो नीचे का कॉन्फ़िगरेशन आर ही होगा, हमको तो निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे नीचे वाले केस में अगर कॉन्फ़िगरेशन आर है तो नीचे का आंसर एस ही होगा, हमको तो निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बोल पाएंगे। जिससे सवाल पूछेंगे वो जवाब देगा। अर्नव, हाँ सर, ऊपर वाले केस में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? 16 नंबर। हाँ सर ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है, कैसे? सेंटर ऑफ सेंटर नहीं है इसमें? इनएक्टिव होगा, एक चीज बोल, एक्टिव है इनएक्टिव है? इनएक्टिव इनएक्टिव। क्यों? और ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ओके हाँ भाई, आयुष बताओ। आयुष राज इनएक्टिव है। इनएक्टिव। अच्छा कितने लोग को लगता है क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्टिकली एक्टिव है? वो अपना हाथ खड़ा करो थोड़ा। कितने लोग को लगता है क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्टिकली एक्टिव है? किसी को नहीं लगता कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? अच्छा चपंडुकों की जमात, ऋतिक कुमार सर बताइए। लगता लग सर ऑप्शन ही लग सर करवाए थे इस टाइप को। हाँ करवाए थे इस तरह का क्वेश्चन। अभी सौम्य बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव लग रहा है तुमको? कैसे? यस सर। क्यों सर इसमें COS नहीं है। नहीं है? दिख तो रहा है हमको। नहीं शायद वो डैश और ये वाला हो। डैश वाला ये वाला होगा? नहीं डैश कहाँ से आ आप गया? बताए थे कि COS इसमें नहीं होगा, क्योंकि हम बताए थे तुम लोगों को, नालायक लोग सब के फिशर साथ। हाँ प्रोजेक्शन में है तो, और COS लगता है कि होगा पर होगा नहीं। सर, नालायक एक नंबर का ट्रिक भी बताया था कि अगर फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, होता नहीं है क्योंकि एक लिस्ट फॉर्म है, बट अगर दिख रहा है तो कंपाउंड में ना POS होगा ना COS होगा, कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ना POS है ना COS है। हाँ भाई, उसके बाद अंकित थोड़ा ज्ञान बांटिए क्वेश्चन नंबर 17 में, एक्टिव है इनएक्टिव? इनएक्टिव
इनएक्टिव क्यों? सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। चलो भाई बढ़िया, तो दूसरा वाला जो केस है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जबकि पहला वाला जो केस है वो ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का था। अब एक चीज देखो, जैसे अगर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है तो एक पार्ट थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग जब मिरर में आर कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो हम लोग उसका इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा, मतलब एब्सोल्युटली मत चले जाने इस वर्ड पे, तुम लोग को दिखाई देगा, दिखता कुछ नहीं है, थियोरेटिकल ये है एज पर टेकेबल। अगर हम लोग एक आर कॉन्फ़िगरेशन वाले कायरल सेंटर को मिरर में देखेंगे या उसका मिरर इमेज लेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है। अगर आर है तो एस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर एस कॉन्फ़िगरेशन था तो उसका मिरर इमेज में कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होके आर में कंसिडर किया जा सकता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है और ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन आर है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब हो गया ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एग्जैक्टली मिरर इमेज है। तो ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन आर है तो नीचे का उसका मिरर इमेज एस होगा ही होगा, ऐसा डायरेक्टली बोला जा सकता है। और एक और पॉइंट डिस्कस किया था, अगर हम लोगों के एक फॉर्म में, मतलब एक कंफर्मेशन वाले फॉर्म में POS एग्जिस्ट कर रहा है तो उस मॉलिक्यूल में COS भी एग्जिस्ट करेगा घुमाने के बाद किसी न किसी तरीके से, या COS एग्जिस्ट कर रहा तो घुमाने के बाद उसमें POS भी एग्जिस्ट करेगा किसी न किसी तरीके से। इस चीज को हम लोग आगे यूज भी करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को अभी के लिए, जैसे बस इस पॉइंट का ध्यान रखो, अगर हम लोगों को कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा तो ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन आर अगर है तो उसका मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन एस होगा ही होगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। और दूसरा वाला जो कंपाउंड था क्वेश्चन नंबर 16, ये मालूम है अपने को कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट के बीच में जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अगर एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन अगर आर निकल के आया है तो नीचे का कॉन्फ़िगरेशन कभी भी एस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर नीचे का कॉन्फ़िगरेशन एस होता तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बाय डिफॉल्ट होगा, क्योंकि सारे ग्रुप सेम टाइप के हैं, ऊपर में भी एच है, एफ है और OH है, नीचे में भी OH है, एफ और एच है। तो अगर सारे ग्रुप सेम टाइप के हैं और कॉन्फ़िगरेशन ऊपर का आर होता और नीचे का एस होता तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल के आता ही आता, भले ही इस स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहा, बट अगर हम लोग स्विचिंग करेंगे तो वहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से निकल के आ जाएगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव दिखा तो ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन आर आया तो नीचे का बाय डिफॉल्ट आर लिख दिया, अगर ऊपर का एस आता तो नीचे हम कैलकुलेट नहीं करते, सीधा एस कॉन्फ़िगरेशन लिख के काम कर सकते थे, ऐसा बोला जा सकता था। जैसे मान लो तुम लोगों को जो सवाल करा रहे थे उसमें बोला था कि 6-7 क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो जहाँ पे क्वेश्चन लिखे थे कितने क्वेश्चन कराए थे ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव वाले? 30 या 31 क्वेश्चन कराए थे ना शायद से? 34। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, और भी 2-3-4 क्वेश्चन कराएंगे टाइम के साथ, अभी 35 में क्वेश्चन नोट करो। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 35 में ये क्वेश्चन नोट करने के बाद ध्यान देना, जैसे सवाल में POS दिख रहा है क्या, किसी को भी दिख रहा है POS? मेरे हिसाब से नहीं दिखना चाहिए, COS तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, ठीक है, COS तो होता भी नहीं ऑफिशियल प्रोजेक्शन में, बट कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इस तरह का सवाल थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा, अभी तक जो हम लोग POS और COS देख रहे थे वो तो ठीक था, बट हम लोग अब उसके बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट का ध्यान रखेंगे कि अगर सिंगल बॉन्ड दे रखा, मान लो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दे रखा, तो इस केस में बॉन्ड रोटेशन की वजह से मॉलिक्यूल अलग अलग कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और अगर मॉलिक्यूल अलग अलग कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करेंगे तो उसके वजह से मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और एक पॉइंट बहुत ही प्रॉपरली ध्यान रखना, एक गिवन मॉलिक्यूल का कोई भी कंफर्मर, मतलब कोई भी रोटेशन के बाद कैसा भी स्ट्रक्चर, कोई भी कंफर्मर अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो कंपाउंड विल बी कंसिडर्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये एक पॉइंट है, कॉलम रोस ने बहुत ही प्रॉपरली स्टेटमेंट में दे रखा, कोई भी एक कंपाउंड का कोई भी एक कंफर्मर अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो पूरे कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव ही कंसिडर करेंगे। तो जैसे एक चीज देखो,
मान लो अब हमको अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो हम डायरेक्टली सवाल ऐसे ही नहीं सॉल्व करेंगे कि इसमें पीयूएस है या सीयूएस नहीं है. अब थोड़ा तुम लोगों को लेवल आगे का कंसिडर करना होगा, स्पेशली जब हम लोग फिशर प्रोजेक्शन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग दो कैरल सेंटर्स को लेकर के चलेंगे. तब करेंगे क्या इसमें, तो स्विचिंग करके देखेंगे कि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट सिमिलर टाइप का निकल के आ सकता है कि नहीं आ सकता. तो हमें काम करता है, जैसे इसका आंसर जब लिखना है तो ऐसा कर लेते हैं, ऊपर OH है, H और Cl दे रखा, नीचे वाले पार्ट में H, OH और Cl है. तो अगर हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाना है तो Cl के सामने Cl लेके आना होगा, OH के सामने OH लेकर के आना होगा और H के सामने H. तो करके देखते हैं कैसे लाया जा सकता है. तो जैसे अगर हम लोग H और Cl के बीच में एक एक्सचेंज करें तो Cl अपने जगह पे पहुंच जाएगा, मतलब जहां लेके जाना था Cl वहां पहुंच जाएगा और H वाला पार्ट नीचे पहुंच जाएगा. बट हम लोग कभी भी एक स्विच नहीं करते, हमेशा दो स्विच करना होता है. तो हम लोग OH वाले पार्ट को और H वाले पार्ट को स्विच कर सकते हैं. तो जब इसको स्विच करेंगे तो H वाला पार्ट लेफ्ट साइड में जाएगा और OH वाला पार्ट नीचे जाएगा. तो अगर अब देखेंगे तो H के सामने H आ गया, Cl के सामने Cl आ गया और OH वाले पार्ट के सामने OH आ गया. मतलब हम लोग के इस कंपाउंड के बीच में प्लेन असिमेट्री हम लोग आराम से निकाल सकते हैं. तो गिवन स्ट्रक्चर में या उसके स्विचिंग के बाद किसी भी टाइप के कंफर्मर में अगर हम लोग के पास मॉलिक्यूल में प्लेन असिमेट्री कंसिडर किया जा सकता है या सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर वेज डैश प्रोजेक्शन में कंसिडर किया जा सकता है, तो ये पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव है. इसका मतलब पूरा कंपाउंड ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि दोनों कंफर्मर एक दूसरे के इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर है. तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जो कि हम लोग को पहले स्ट्रक्चर में दिख नहीं रहा था वो तो दूसरे स्ट्रक्चर में ज्यादा क्लियरली दिखाई देना शुरू करेगा. तो क्वेश्चन नंबर 35 में एक तो स्विचिंग करके ये स्ट्रक्चर बना लो जो सेकेंड स्ट्रक्चर बनाया है और उसके नीचे एक पॉइंट स्टार मार्क कर लेना. नोट कर इसको और हम पॉइंट लिखते चले जा रहे हैं. पॉइंट स्टार मार्क करके रखना. और इस पॉइंट को बहुत ही स्पेशली ध्यान रखना है, इस पर सवाल आराम से पूछा जा सकता है. इन सब ट्रिक्स का ध्यान रखना, थोड़ा जो शॉर्टकट टाइप के ट्रिक्स बता रहे हैं इनका ध्यान रखना, सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो गए, सब ट्रिक्स तुमको कहीं नहीं मिलेंगे. अगर कभी कोई बुक्स वगैरह रीड करो स्टैंडर्ड, तभी उन सब बुक्स में सब ट्रिक्स मिलेगा तुमको केवल. और इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखना. कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव है. कितना का है हड़बड़ी में जवाब दे रही भाई, आराम से दे दे जवाब. एक्टिव है सर. एक्टिव है सर. एक्टिव है का? हां एक्टिव है. यस सर. यस सर. चलो ध्यान दो. जैसे अगर मान लो हमको मालूम करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव, तो एक और भी काम कर सकते थे. जैसे एक चीज दिख रहा है हमको, फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन है ठीक है, बट OH और H एक दूसरे के सामने नहीं है. तो अगर मान लो OH और H को स्विच करते हैं, OH नीचे जाएगा
और H ऊपर आएगा तो यहाँ वाले पार्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, ठीक है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, लेकिन हम लोग कभी भी एक स्विच नहीं कर सकते, तो इसको ऐसा समझ सकते थे शायद हम लोग कि अगर एक स्विच करने पे POS दिख रहा, जो कर नहीं सकते कभी एक स्विच, हम लोग को हमेशा दो स्विच करना होगा, ठीक है। तो अगर एक स्विच करने पे POS एग्जिस्ट कर रहा है, तो जैसे ही नीचे के तीनों ग्रुप्स में से कोई भी दूसरा स्विच करेंगे तो वापस से POS एग्जिस्ट करना बंद कर जाएगा। तो अगर एक स्ट्रक्चर में मतलब एक स्विच करने के बाद POS दिख रहा, तो फिर उसमें कभी भी POS एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग उसमें दूसरा स्विच करेंगे तो फिर POS वाला पार्ट वापस से गायब हो जाएगा, मतलब हम मान को ऑप्टिकली एक्टिव आराम से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना, कोई भी कंफर्मर रोटेशन कराने के बाद, स्विचिंग कराने के बाद अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और कोई भी एक कंफर्मर स्विचिंग करो या फिर रोटेशन करो, अगर कोई भी एक कंफर्मर ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल के आ गया तो पूरे कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव ही कंसिडर करते हुए काम करेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक का पार्ट समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कोई डाउट पूछ सकते हैं आराम से, और इसके बाद फिर हम लोगों को कंपाउंड्स के रिलेशन वाले पार्ट मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स के रिलेशन निकालने शुरू करने। जैसे पहले डिस्कशन करते थे ना हम लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, चेन आइसोमर है, तो सिमिलर टाइप से ही हम लोग रिलेशन यहाँ पे कुछ नया टाइप के डिस्कस करते हैं, इनेंशियोमर है या फिर डायस्टीरोमर। जैसे जब तुम लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री का एक एनिमेशन दिखा रहे थे तो वहाँ बार बार एक टर्म यूज करा इनेंशियोमर, तो वो इनेंशियोमर क्या होता है उस चीज का हम लोग डिस्कशन यहाँ पे आराम से करेंगे। तो हेडिंग डाल देना, रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल आइसोमर्स। रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इसमें सबसे पहला हेडिंग हम लोगों को इनेंशियोमर्स कंसिडर करना है। ए मकर ध्वज अभी आया क्लास करने, तो ए मकर ध्वज। यस सर। अभी क्लास करने आया है? नहीं सर। जो भी बोलेगा सर। डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट हो गया था आधे घंटे से। चलो भाई ध्यान दो इनेंशियोमर्स वाले पार्ट में। एक तो इसका डेफिनेशन याद रखना है, तो पहले डेफिनेशन नोट कर लेते फिर आराम से कहानी बात करेंगे। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। चलो जान लो, जैसे इस चीज को एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है, क्योंकि मतलब थोड़ा इमेजिनेशन का पार्ट चाहिए, बट हम लोग इसको थोड़ा टू डायमेंशन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग सुपर इम्पोजिबल या कैसे सुपर इम्पोजिबल नहीं है ये सब चीजें डिफाइन कर पाए। तो जैसे एक चीज यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है कि एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये क्या होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग अपना दोनों हाथ कंसिडर करें, तो एक हाथ को हम लोग जब दूसरे हाथ पे रखते हैं तो सामने सामने तो एग्जैक्टली सब कुछ फिट बैठता है, एग्जैक्टली फिट बैठता है, लेकिन अगर हम लोग मान लो कि बिल्कुल ऐसा सोचेंगे कि सेम ओरिएंटेशन में सब कुछ एक दूसरे के ऊपर फिट बैठे, तो शायद नहीं बैठेगा। जैसे सेम ओरिएंटेशन का मतलब ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, मान लो ये है स्क्वायर है और दूसरा हम लोग एकदम एग्जैक्टली सेम स्क्वायर लेके चलते हैं, तो अगर एक स्क्वायर लिए और दूसरा एक और सेम स्क्वायर लिए तो हम लोग आराम से इसको दूसरे के ऊपर फिट करा सकते हैं। जब सब कुछ एग्जैक्टली अगर साइड सेम मान के चल रहा है तो सब कुछ एग्जैक्टली सेम टाइप का सिमेट्रिकली फिट बैठेगा। तो अगर सेम टाइप का सब कुछ सिमेट्रिकली फिट बैठेगा तो इसका मतलब इस चीज़ को हम लोग आराम से सुपर इम्पोजिबल बोल सकते हैं। इम्पोजिबल का मतलब एक के ऊपर दूसरा वाला पार्ट फिट हो जा रहा है। तो ये जो सुपर इम्पोजिबल वर्ड है, इस चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होगा। जैसे मान लो कि हम लोग
ऐसा कंसिडर करते हैं। एक तीन मेंबर रिंग है साइक्लोप्रोपेन वाला पार्ट, तो अगर साइक्लोप्रोपेन ले और दूसरा हम लोग एक और साइक्लोप्रोपेन ले, तो अगर इसमें सारे के सारे एटम्स एग्जैक्टली हाइड्रोजन हाइड्रोजन टाइप के दे रखे, तो हम लोग नीचे वाला जो साइक्लोप्रोपेन है इसको ऊपर वाले के ऊपर आराम से फिट करा सकते हैं। फिट जब कराएंगे तो कार्बन के ऊपर कार्बन आएगा ऊपर वाला, और जो मान लो ऐसा ब्लू वाला कार्बन है उसके ऊपर नीचे का ब्लू वाला कार्बन आएगा, जो ऊपर वाले के इसमें ग्रीन कार्बन है उसमें नीचे वाले पार्ट का ग्रीन कार्बन आराम से फिट बैठेगा। तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि जब हम लोग इसमें सुपर इम्पोजिशन की बात करते हैं, तो सुपर इम्पोजिशन के टाइम पे लोग हर एक एटम को एक दूसरे के ऊपर फिट कराते हैं, लोग हर एक एटम का या फिर एक गिवन कंपाउंड के हर एक पार्ट एक दूसरे के ऊपर फिट बैठना है, एग्जैक्टली सेम टाइप से फिट बैठना है। तो अगर एग्जैक्टली सेम टाइप से फिट नहीं बैठेगा तो हम लोग नॉन सुपर इम्पोजेबल वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं, एक तो पहला ये, और दूसरा मिरर इमेजेस होना चाहिए। लोग नॉन सुपर इम्पोजेबल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग मिरर इमेजेस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, कंपाउंड वाले पार्ट में एक दूसरे का मिरर इमेज भी होना चाहिए। मिरर इमेज कैसे होना चाहिए, उस केस में जैसे मान लो ऐसा कंसिडरेशन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो एक स्क्वायर वाला पार्ट है और जो दूसरा स्क्वायर वाला पार्ट है, वो दोनों के दोनों स्क्वायर एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो अगर दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है तो इसको हम लोग आराम से मिरर इमेज कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो सुपर इम्पोजिबल भी नहीं होना चाहिए था, मिरर इमेज भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ऐसा कंसिडरेशन लिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे Cl है H, Cl और H, और सामने वाले साइड में मान लो ऐसा ये स्ट्रक्चर लेते हैं, तो इस केस में ये दोनों के दोनों पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करें तो इन दोनों में मिरर इमेज शायद से तुम लोगों को दिख रहा होगा, तो Cl वाले पार्ट का मिरर में Cl है, फिर उसके बाद ब्लू वाले Cl का लोग ब्लू से ये करा दिए मिरर इमेज, सिमिलर टाइप से बाकी सारे पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज है। और हमेशा मिरर इमेज में एक ऑब्जेक्ट का इमेज उसके मिरर के परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग बिल्कुल सेम डिस्टेंस से बनता है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग मिरर इमेज वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सुपर इम्पोजिशन है या नहीं है, तो जैसे अगर मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको क्लोरीन एच क्लोरीन और एच दे रखा है, तो अगर हम लोग ये राइट साइड वाले मॉलिक्यूल को कंसिडर करें और इसको उठा करके फिट करें यहाँ पे, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है यहाँ पे रेड कलर से इसको मार्क किया, ये वाला पार्ट आराम से ब्लू वाले पार्ट पे फिट बैठेगा, डबल बॉन्ड वाला पार्ट भी फिट बैठेगा, फिर इन्हीं के ऊपर जो क्लोरीन्स है ये क्लोरीन्स वाले पार्ट भी एग्जैक्टली इस ब्लू वाले पार्ट पे फिट बैठेंगे और हाइड्रोजन वाले पार्ट भी फिट बैठेंगे, सारे के सारे बॉन्ड्स भी एग्जैक्टली सेम टाइप से फिट बैठते हुए काम करेंगे। तो इस केस में हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ रहा है, तो इस चीज को हम लोग आराम से सुपर इम्पोजिबल बोल सकते हैं। तो मिरर इमेज तो था लेकिन सुपर इम्पोजिबल था, इनेंशियल नहीं हो सकता, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए और मिरर इमेज होना चाहिए। तो केवल मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोजिबल है तो भी इनेंशियल निकल के नहीं आएगा, वो कैसे हो सकता है उसको अब एक एनिमेशन के थ्रू तुम लोगों को शो करते हैं, तो ज्यादा क्लियर थोड़ा मालूम पड़ेगा, थोड़ा देर लाइन पे रहना। हाँ भाई ध्यान दो, तो ये छोटा सा वीडियो था जो लास्ट क्लास में देखे थे from layerforsci.com and in this video we'll introduce the concept of chirality looking at enantiomers, stereoisomers, chiral centers and more. Those big heavy fancy gloves that's meant for your right hand and putting it onto your left hand, it just doesn't work. Right now we're looking at the top of my right and left hand and they look about the same. I have thumbs in the same place, fingers in the same place, and when I turn it over, they still look the same. So while hands are the same though, notice that no matter how I turn them, imagine there's a mirror right here between them. Right now, my thumbs are mirrored, fingers are mirrored, you're still an imaginary mirror between them, still an imaginary mirror. No matter how I turn them, it appears that there's an imaginary mirror between them. But now what happens if I try to superimpose them? Well, my thumbs are sticking out. So if I turn it, now my fingers are in opposite direction. If I flip my hand so that my thumbs and fingers are aligned, well, my palms are in opposite direction.
No matter what I do, there is no way for me to perfectly superimpose my right and left hand, making them mirror images to each other. सुपरइम्पोज करने का मतलब है कि जैसे हम लोग एक हाथ जब दूसरे के ऊपर डाला तो ऐसा नहीं कि हम लोग सामने सामने से ना ताली बजाते हैं जैसे हमें दो हाथ फिट होता है, ऐसा नहीं. हर एक पार्ट एक दूसरे के ऊपर फिट होना चाहिए. तो जैसे हम लोग का अगर हाथ मान लो टेबल पे पड़ा हुआ है तो हम लोग एग्जैक्टली अगर दूसरा हाथ उसी टेबल पर रखे तो इसी ओरिएंटेशन में दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर फिट होनी चाहिए. मतलब हम लोग मान लो दोनों हाथ को कंबाइन करना शुरू करते हैं तो हर एक पार्ट एक दूसरे के साथ मर्ज होकर एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट होना चाहिए. ऐसा सिंगल यूनिट नहीं हो सकता. सुपर इम्पोज का मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने जो पाल वाला साइड है मतलब जो हथेली वाला जो साइड है नीचे का फ्लैट सरफेस उसको दूसरे के सामने लेकर के आ रहे हैं. उससे चीजें एक दूसरे के ऊपर मतलब बस सरफेस एक दूसरे के ऊपर सिमेट्रिकली टच कर रहा है लेकिन हर एक पार्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा. वैसा ही कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया जैसे यहाँ पे दिया है. तो जो ऊपर का पार्ट है हाथ का और जो नीचे का पार्ट है तो नीचे का पार्ट किसी दूसरे वाले हाथ के नीचे के पार्ट के साथ मैच कर रहा है लेकिन उसका बाकी बचा ऊपर हाथ का पार्ट एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठ रहा. तो इसलिए ये पार्ट सुपर इम्पोजिबल नेचर का नहीं रहेगा. So that my thumbs and fingers are aligned, while my palms are in opposite direction. No matter what I do, there is no way for me to perfectly superimpose my right and left hand, making them mirror images to each other. So we agree that hands are mirror images to each other, and if these are your right and left hands, palm down on the table, they are the same, but they're mirror images of each other. And the only way that you can superimpose a hand would be if you took a thumb and added it to the other side, assuming the fingers were the same, took a thumb and added it to the other side. Now you see the right and left hand are exactly the same. In fact, there is a plane of symmetry going right down the middle, and that is the key. If there is symmetry, then your two hands will be superimposable, and they will not be unique. A right two-thumb glove will fit a left two-thumb hand, and the other way around. When thinking of chirality, we have four units and touch down. I'm using these and it's layaforsci.com/kit. And if you purchase through my link, I do get a small commission. So notice here we have a central carbon atom with four unique substituents. This is considered the chiral or asymmetric center, and it's tetrahedral because it's sp3 hybridized. So notice that I have two apparently same looking structures where each one has a chiral center and the four same substituents. If you look at the two molecules, you can see an imaginary mirror between them because they are perfectly. अगर हम लोग इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में काम करें तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में अगर एक मिरर रखेंगे तो देख के मालूम पड़ता है ब्लू का मिरर में जो ब्लू है वो ऑरेंज ऊपर आ रहा है उसका दूसरे वाले भी ऑरेंज ऊपर मिरर में जा रहा है और लेफ्ट साइड में जो व्हाइट है राइट साइड में जो व्हाइट है वो एक दूसरे का एग्जैक्ट मिरर में निकल के आएगा. Reflected in each other. And as I turn them, they are still perfectly reflected in each other. Since these are chiral with an sp3 central carbon and four unique substituents, because they have a mirror between them, they're considered enantiomers or mirror images. And no matter how I turn them, I can always find that mirror between them. But now if I try to superimpose them, let's see what happens. To place one on top of the other, I need these substituents to line up. So let's flip it and line up the red and the green. But look at what happened. The blue and white do not line up. If I try to switch it so the blue and white are lined up, then look what happened to the red and green. They don't match. Just like with my hands, something is sticking out. Remember, it was thumbs or fingers. Here, the only way to line up two of the substituents is to have the two other substituents be opposite. In fact, the only way I can superimpose these two is if I take some of the bonds and physically break them, moving the substituents around, just like the example of moving a thumb to the other side. And now, look what happens. The blue is lined up, white, green, and red, they are perfectly lined up. They're still chiral, but now they're two of the same chiral molecules, rather than... जैसे इससे पहले अभी एक चीज दिखाया कि हम लोग जब यहाँ के स्ट्रक्चर में थे, यहाँ तक डिस्कशन कर रहे थे, तो हम लोग जब स्ट्रक्चर्स को फिट करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो रहा था. तो जैसे अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि अगर
तुम लोग R कॉन्फ़िगरेशन को मिरर में देखेंगे तो S दिखाई देगा, अगर S को मिरर में देखेंगे तो R दिखाई देगा। तो उससे होता क्या है, जैसे तुम लोगों को जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स पर डिस्कशन कर रहे थे, तो आज जब पहली बार आइसोमरिज्म पर डिस्कशन किया था तो दोनों टाइम पे बोला था जो आइसोमर्स स्पेस में डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से एग्जिस्ट करते हैं उसको स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं, और उसमें जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वेरिएशन होता है उसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर बोलते हैं, जिसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ही पार्ट था। तो जब आर कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरा एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो गए। सेम टाइप के एटम्स होते हुए भी, मतलब एक ही कार्बन से चारों ग्रुप सेम है, लेकिन स्पेस का ओरिएंटेशन अलग होने के वजह से वो दोनों ग्रुप्स या दोनों कंपाउंड एग्जैक्टली सेम नहीं है। देख के लगता था हम लोगों को कि सेम है, लेकिन इस स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको देख के मालूम पड़ रहा है कि ब्लू और व्हाइट जब मर्ज हो रहा है तो ऑरेंज वाला पार्ट और ग्रीन वाला पार्ट एक दूसरे को फिट नहीं हो पा रहा। इसका मतलब इसमें कुछ तो डिफरेंस है, मतलब एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो ये पार्ट कुछ ना कुछ आइसोमरिज्म का पार्ट शो करेगा, क्योंकि मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट कुछ डिफरेंस है। तो कुछ डिफरेंस है तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में वेरिएशन आता है, और वही प्रॉपर्टी का वेरिएशन तुम्हारे ऑप्टिकल रोटेशन के फॉर्म में निकल के आता है। तो हम उस चीज़ पाएंगे अभी, बट जो कंपाउंड वाला पार्ट है उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है, एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठ रहा, नॉन सुपर इम्पोजिबल टाइप का स्ट्रक्चर है। अब इसमें जैसे आगे जाने पे मान के चल रहे हैं कि लेफ्ट वाले साइड में कार्बन के चारों ग्रुप्स अलग है, ऑरेंज ग्रीन ब्लू एंड व्हाइट। मान लेते हैं कि काइरल सेंटर है, काइरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन आर है, अजम्पशन ले लेते हैं। तो अगर लेफ्ट वाले साइड का कॉन्फ़िगरेशन R है और राइट वाला साइड अगर उसका मिरर इमेज है, तो इसका मतलब एक अगर R होगा तो दूसरा उसका S कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ही रहेगा। ये हम लोग का कंसिडरेशन लेके चल रहा है हम लोग, और इसको थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना कि लेफ्ट साइड वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन R लिए थे तो राइट वाले का हम लोग को बाई डिफॉल्ट मिरर इमेज होने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन S चल रहा है, ठीक है। अब जैसे इसी को हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ये अपने काम का नहीं है, यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन नहीं हो पा रहा था। Red and green, they don't match. Way, I can superimpose these two. अब यहाँ पे is if I take some of the bonds. हम लोग मतलब दो ग्रुप्स को आपस में स्विच कर रहे हैं, तो हम लोग को अभी तक मालूम पड़ चुका है कि जब हम लोग एक स्विच करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है। तो मान के चल रहे थे कि राइट साइड वाले मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन S था, assumption लेके चल रहे थे, ठीक है। तो जब हम लोग एक स्विच करेंगे and physically break them, moving the substituents around. So no matter what I do, I will not be able to show these as mirror images, because if they're chiral and they're the same, they're not enantiomers of each other, right? They're either the same or enantiomers. So we have the option for two different types of molecules when it's chiral. So again, quality उसको अब आराम से समझ सकते हैं। तुम लोग को मालूम पड़ गया कि सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो अब इस चीज को एक्सप्लेन करना थोड़े डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ भी, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल के साथ भी आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग उस एग्जाम्पल वाले पार्ट पे ही आएंगे अभी, बट उससे पहले कुछ कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। जैसे एक तो ये बेसिक पॉइंट है, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सबसे बेसिक पार्ट है ये, तो ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान रखते हुए काम करना है। जैसे सबसे पहला पार्ट,
इनेंशियल मंथ्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, हमेशा, मतलब कभी भी एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का इनेंशियोमर वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पहला चीज। और दूसरा, इनेंशियोमर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके पहले नोट करा देते हैं जितने थियोरेटिकल पॉइंट्स है, उसके बाद पॉइंट्स को हम लोग आराम से रिपीट करते चले जाएंगे। तो थोड़ा तेजी से नोट करते चले जाना। सबसे पहला पॉइंट, इनेंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव Enantiomers always exist in pairs, always exist in pairs, and या फिर एंड छोड़ सकते हैं, इसको थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं। Enantiomers have equal and opposite angle of rotation that is if one if one is d small d बोल सकते हैं, dextro rotary वाला part सबसे पहले दिन जो mention किया था, dextro rotary and lever rotary, if one is d then the other will be l। If one is D, then the other will be L. ये तो खैर ऊपर भी mention कर दिया, equal and opposite angle of rotation. अगर एक का angle of rotation plus 60 degree है तो दूसरे का minus 60 degree होगा, ये बिल्कुल fix है। Enantiomers का angle of rotation हमेशा magnitude wise same होगा और angle wise हमेशा opposite direction में होता है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। चलो ध्यान दो। अच्छा ठीक है, तीन ही पॉइंट लिख सकते हैं, चौथा लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बिना भी काम चल जाएगा। हाँ चलो ध्यान दो। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, इनेंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, हमेशा हम लोग इनेंशियोमर्स वाले पार्ट को ऑप्टिकली एक्टिव ही कंसिडर करेंगे, मतलब कभी भी एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड वाले पार्ट के केस में इनेंशियोमर्स वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। इस एक चीज का ध्यान रखना, तो जब भी कभी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो इनेंशियोमर्स के बारे में सोचने की हम लोग को जरूरत नहीं है, ऐसा भी हम लोग डायरेक्टली बोलते हुए काम कर सकते हैं, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, इनेंशियोमर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, जब भी कभी एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसमें हमेशा दो पार्ट एग्जिस्ट करेगा, इसका एक डी पार्ट और इसका एक एल पार्ट, मतलब हमेशा इनेंशियोमर्स अगर एग्जिस्ट करता है, मतलब कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसका हमेशा दो पार्ट होगा, जैसे जूता है ना, तो एक लेफ्ट वाले पैर का एक राइट वाले पैर का जूता, एग्जैक्टली हमेशा वो पेयर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। और एक पार्ट अगर डी है तो दूसरा उसका पेयर वाला जो पार्ट था हमेशा एल के फॉर्म में ही रहेगा, ये चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। बाकी नीचे तो उस पॉइंट को मेंशन कर ही दिया, और कुछ और भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पार्ट होंगे जो कि हम लोग इनेंशियोमर्स में डिस्कस करेंगे, वो हम लोग आगे जस्ट अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं तो नॉर्मली हम एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एग्जाम्पल हमेशा कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा, Cl सॉलिड पे दे रखा और Br सॉलिड पे दे रखा, और मान लो दूसरा एक ये कंपाउंड लेके चलते हैं, तो सबसे पहला पार्ट इनेंशियोमर्स होगा या नहीं होगा दोनों कंपाउंड, उसके लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी जरूर चेक करना, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, और इसमें भी एक ट्रिक बता देंगे तुम लोगों को, तब चीजें और आसान हो जाएंगी, इमेजिनेशन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा।
तो जैसे देख के मालूम पड़ रहा होगा कि जो पहला वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि ऊपर क्लोरीन है नीचे ब्रोमीन है, तो बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बना सकते, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और दूसरा वाला कंपाउंड भी सेम टाइप का है, तो बीच में यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर क्लोरीन है और नीचे ब्रोमीन है। तो पहला भी ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा भी ऑप्टिकली एक्टिव है, आराम से बोल दिया। उसके बाद दोनों कंपाउंड के बीच में अगर प्लेन रखते, मतलब मिरर रखते, तो क्लोरीन का मिरर इमेज क्लोरीन, ब्रोमीन का मिरर इमेज ब्रोमीन, और साइक्लोहेक्सेन का मिरर इमेज साइक्लोहेक्सेन, मतलब दोनों के बीच में मिरर इमेज भी है। सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है अगर ये चेक करना है, तो जैसे सुपर इम्पोजिबल का मतलब ये होना चाहिए कि एक तो रिंग वाला पार्ट रिंग के ऊपर फिट बैठना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, क्लोरीन अगर सॉलिड पे है और ब्रोमीन भी सॉलिड पे है, तो दूसरे कंपाउंड का क्लोरीन और ब्रोमीन एग्जैक्टली सेम ओरिएंटेशन में सॉलिड पे होना चाहिए। तो करके देख लेते हैं, जैसे मान लो जो पहला कंपाउंड है, पहले तो हम लोग को दूसरे कंपाउंड में क्लोरीन ब्रोमीन को सेम साइड में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले केस में क्लोरीन ब्रोमीन राइट साइड में है जबकि दूसरे वाले केस में लेफ्ट साइड में है। तो पहले तो हम लोग उसको सेम साइड में लेके जाते हैं। तो एक काम करते हैं, हमको जैसे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो सेंटर है, इस सेंटर के अलॉन्ग एक एक्सिस अगर कंसिडर करें, तो उसके अलॉन्ग हम रोटेशन करा देते हैं इसका। अगर इसका रोटेशन कराएंगे, जैसे इसको नीचे बना देते हैं ताकि ऊपर का स्ट्रक्चर गंदा ना हो, क्लोरीन दे रखा और नीचे ब्रोमीन दे रखा, तो ये जो सेंटर से एक्सिस क्रॉस करेगा, इसके अलॉन्ग इसका रोटेशन करा देते हैं। तो जब इसका रोटेशन कराएंगे, तो रोटेशन वाले पार्ट में ब्रोमीन वाला पार्ट 180 डिग्री घूम के ऊपर जाएगा, क्लोरीन 180 डिग्री घूम करके राइट साइड में आना चाहिए। तो ब्रोमीन वाला पार्ट सॉलिड पे ही रहेगा, क्लोरीन वाला पार्ट सॉलिड पे ही रहेगा, लेकिन 180 डिग्री रोटेशन में चला गया। अब देखते हैं पहले स्ट्रक्चर वाले पार्ट को, जो भी स्ट्रक्चर बनाया उससे कंपेयर करके। तो इस केस में देख के मालूम पड़ रहा है कि अभी तो सेम टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ऊपर क्लोरीन है और नीचे ब्रोमीन है अपने पहले स्ट्रक्चर में, जबकि लास्ट वाले स्ट्रक्चर में जिसको अंडरलाइन कर रहा है रेड कलर से, इसमें ऊपर ब्रोमीन है और नीचे क्लोरीन है। तो अभी तो सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, सारे ग्रुप्स या सारे एटम्स एग्जैक्टली सेम जगह पे होने चाहिए, सॉलिड पे है तो सॉलिड पे होने चाहिए, डैश पे है तो डैश पे होने चाहिए, तो ये तो अभी ओरिएंटेशन में सुपर इम्पोज नहीं कर सकता, पहला चीज। दूसरा, मान लो एक काम करते हैं, इस एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग रोटेशन करा देते हैं 180 डिग्री, मतलब जो साइक्लोहेक्सेन का प्लेन है उसको हम लोग फ्लिप कर दिए, जैसे अपना हाथ है, मान लो प्लेन है उसको फ्लिप कर दिया। तो जब हाथ को फ्लिप करेंगे तो उसकी वजह से जो जो स्ट्रक्चर सॉलिड पे है वो तो सारा स्ट्रक्चर डैश हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसा एक प्लेन होता है और इस प्लेन में कोई चीज लेफ्ट के साइड में निकला हुआ है, तो अगर हम लोग इस प्लेन को फ्लिप कराते हैं, तो उस केस में फ्लिप कराने की वजह से जो प्लेन है वो तो प्लेन ही रहेगा, लेकिन ये जो ऊपर का रेड बॉन्ड दिख रहा है, ये रेड बॉन्ड वाला पार्ट नीचे और लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में जाना शुरू कर देता है। हम लोग फ्लिपिंग करा रहे हैं, तो इसको फ्लिप कराएंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आएगा। तो हम लोग जब इस एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिपिंग कराएंगे, तो साइक्लोहेक्सेन का प्लेन तो जैसा था वैसे ही रह जाएगा। फ्लिपिंग करने से क्लोरीन वाला पार्ट नीचे से ऊपर जाएगा, ब्रोमीन वाला पार्ट ऊपर से नीचे जाएगा, लेकिन जो चीज प्लेन के ऊपर आ रहा, जब उसको पूरे प्लेन को फ्लिप कर दिया, मान लो कॉपी है, तो कॉपी से अगर एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है, कोई हम लोग कार्बन चेन ले जो सॉलिड पे है, तो जब उस कॉपी को पलट देंगे तो सॉलिड वाला पार्ट नीचे चला जाएगा डैश वाले पार्ट पे, तो क्लोरीन ऊपर तो जाएगा लेकिन डैश पे, और ब्रोमीन भी नीचे जाएगा लेकिन डैश वाले पार्ट पे। तो अब हम लोग अगर पहले वाले स्ट्रक्चर से कंपेयर करें इस चीज को, तो पहले वाले स्ट्रक्चर में क्लोरीन ऊपर है, दूसरे में भी, लास्ट वाले में भी क्लोरीन ऊपर है, पहले में ब्रोमीन नीचे है, यहाँ भी ब्रोमीन नीचे है, लेकिन पहले वाले केस में क्लोरीन ब्रोमीन प्लेन से बाहर आता दिख रहा है, जबकि लास्ट वाले स्ट्रक्चर में क्लोरीन ब्रोमीन प्लेन के अंदर जाता दिख रहा है। तो ये इमेजिनेशन का पार्ट थोड़ा चाहिए होता था, जिसको हम लोग इन इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना इमेजिनेशन सबका अच्छे से वर्क नहीं करेगा, मान के चलते जिनका वर्क करेगा उनको समझ में आ जाएगा तब अब तक हम लोग क्या बात कर रहे हैं। बट जिनका ये वर्क नहीं कर रहा, तो सिंपली एक चीज देखना, दो कंपाउंड्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, पहला चीज, और दूसरा दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं कि नहीं है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है और अगर मिरर इमेजेस हैं, तो इनेंशुमर्स होगा, ऐसा हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे। एक छोटा सा ट्रिक ध्यान रखना, ऑप्टिकली एक्टिव होगा पहला कंडीशन, और दूसरा एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए, तो हम लोग इनेंशुमर्स वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल लिखाया, इस एग्जाम्पल वाले पार्ट को नोट कर लो।
और इनेंशियोमर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होगा जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. हम लोग पहले डैशियोमर वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, तब उसके बाद आएंगे इस चीज पे. चलो अगला हेडिंग डाल दो, डायस्टेरियोमर्स. पॉइंट नोट कर लेना. दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल non-mirrored images of each other. पहले वाले केस में केवल नॉन सुपर इम्पोजिबल था बट मिरर इमेज था. यहाँ ना सुपर इम्पोज करना चाहिए मतलब एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं होना चाहिए और मिरर इमेज भी नहीं होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग टर्म डायस्टेरियोमर आराम से यूज कर सकते हैं. और इसमें नोट में बस एक ही पॉइंट ध्यान रखना, भी ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है. मतलब इसमें कोई रूल नहीं है कि ऑप्टिकली एक्टिव होना कोई जरूरी कंडीशन है. ये इसके एग्जांपल्स हम लोग आराम से दो तीन एग्जांपल्स के फॉर्मेट में कंसिडर करेंगे. जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल ये कंसिडर कर सकते हैं, इसको आगे हम लोग पॉइंट में भी लिखवाएंगे, कुछ यूनिक पॉइंट जो है उसमें लिखा सकते हैं. जैसे मान लो सिस और ट्रांस दे रखा, तो सिस और ट्रांस के केस में देख के मालूम पड़ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होना चाहिए. जैसे अगर बीच में मिरर रखते हैं तो क्लोरीन के सामने क्लोरीन है बट दूसरे क्लोरीन के सामने क्लोरीन नहीं है, तो मिरर इमेज तो नहीं हो सकता. दूसरा, सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे मान लो नीचे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सिस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर जब हम लोग ट्रांस वाले स्ट्रक्चर को फिट करने की कोशिश करेंगे तो कार्बन तो फिट हो जाएगा, डबल बॉन्ड भी फिट हो जाएगा. बॉन्ड्स का जो पार्ट है उसमें लेफ्ट साइड में क्लोरीन फिट हो गया, उसके अलावा लेफ्ट साइड वाले पार्ट में एक जो एच है नीचे वो भी फिट हो गया, बट राइट साइड में हम लोग के पास एच है और नीचे सीएल है, तो ये दोनों फिट नहीं हो पा रहे. मतलब एच और सीएल वाला पार्ट एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो पा रहा. तो इसका मतलब ना मिरर इमेज था और ना ही सुपर इम्पोजिबल था. दो नॉन सुपर इम्पोजिबल, मिरर इमेज, इसका मतलब डायस्टेरियोमर आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं. तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, स्ट्रक्चर बनाते वक्त नॉन सुपर इम्पोजिशन भी होना चाहिए और मिरर इमेज वाला पार्ट भी कंसिडरेशन में देखना है. नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेज, तो हम लोग आराम से वहाँ डायस्टेरियोमर वर्ड यूज कर सकते हैं, पहला चीज. मान लो दूसरा एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो ऐसा लिया जा सकता है, क्लोरीन वाला पार्ट अगर दे रखा तो मान लो ऐसा केस ले लिया, तो जैसे एक चीज देख के मालूम पड़ रहा है लेफ्ट साइड में कि लेफ्ट साइड वाले पार्ट में दोनों क्लोरीन सॉलिड पे है, तो एक तो पीयूएस एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है. जबकि दूसरे वाले केस में एक सॉलिड पे और एक डस्ट पे है, तो हम बता नहीं रहे बट दूसरे वाले केस में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है. ठीक है, कैसे है वो तुमको खुद से देखना है. अब एक चीज, इन दोनों कंपाउंड के बीच में मिरर इमेज चेक करते हैं, तो नीचे वाले सॉलिड का क्लोरीन, सामने वाले सॉलिड का क्लोरीन, ये दोनों मिरर इमेज है, बट ऊपर में सॉलिड पे क्लोरीन है जबकि दूसरे वाले साइड में डैश पे. और एक चीज का ध्यान रखना, जैसे पहले जब पीयूएस एग्जिस्ट करा रहे थे तो वहां पे बोला था कि सॉलिड का मिरर इमेज सॉलिड पे होगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, वहां एक ही मॉलिक्यूल के विदिन हम लोग एक प्लेन की बात कर रहे थे, तो जब एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें सॉलिड का मिरर इमेज सॉलिड पे होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. आगे एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा एक सॉलिड वाले पार्ट का मिरर इमेज डैश पे भी निकल के आ सकता है. कैसे आएगा, थोड़ा बहुत उसका
कंसंट्रेशन देखेंगे हम लोग. खैर सॉलिड का मिरर इमेज डैश पे नहीं हो सकता, मतलब मिरर इमेज तो नहीं है. और दूसरा सुपर इम्पोजिशन भी मालूम पड़ रहा है देख के नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले केस में दोनों सॉलिड्स है जबकि दूसरे वाले केस में एक सॉलिड और एक डैश है. तो सॉलिड वाला सॉलिड के ऊपर फिट हो भी जाए तो भी डैश वाला पार्ट तो दूसरे ओरिएंटेशन में जाएगा ही जाएगा. मतलब पहले वाले केस में दोनों क्लोरीन प्लेन में सेम साइड आ रहा, जबकि दूसरे वाले केस में दोनों क्लोरीन प्लेन में सेम साइड नहीं आ रहा. तो अगर नहीं आ रहा तो कभी भी एक दूसरे के ऊपर फिटिंग नहीं हो पाएगा, चाहे हम लोग ओरिएंटेशन में रोटेशन करें, चाहे फ्लिपिंग करें, चाहे कुछ भी करें. तो नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस, इस चीज को भी हम लोग आराम से डैश टू रबर में कंसिडर कर सकते हैं. तो ये दोनों एग्जाम्पल्स अभी के लिए नोट कर लो. और उसके बाद एक शॉर्ट तरीका होता है जिसको हम लोग नॉर्मली कंसिडर करते हैं डैश टीरियमर या फिर इनेंशियमर्स को निकालने के लिए, कैसे कंसिडर कर सकते हैं उस चीज को हम लोग करते हैं अभी. नोट कर लो एग्जाम्पल पहले. थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए ना. हाँ कर ले कर ले. Yes.